सवाल ये है कि क्या बायकॉट करने वाली 21 पार्टियों के पास इतनी ताकत है कि वो अगले साल चुनाव में मोदी को चुनौती दे सके? इसका जवाब आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले विपक्ष की 21 पार्टियों ने किया वार, फिर 18 पार्टियों ने किया पलटवार। एक ही दिन में वार और पलटवार की यह सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना सियासी दम दिखाने में जुट गई हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की खेमेबंदी जारी है। विपक्ष के जिन 19 पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने पर इनॉग्रेशन सेरेमनी का बहिष्कार करने का फैसला किया था, उसकी लिस्ट तो ये रही। बाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इसमें शामिल हो गई और बायकॉट करने वाली पार्टियों की संख्या 21 तक पहुंच गई। लेकिन शाम होते होते एनडीए की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इस स्टेटमेंट में 14 पार्टियों के नाम हैं। एनडीए के इस साझा बयान जिसमें बायकॉट के फैसले की आलोचना करते हुए इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला बताया गया। इस स्टेटमेंट में जिन एनडीए की 14 पार्टियों के नेताओं के नाम हैं, उनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनपीपी नेता और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री और एनडीपीपी के नेफुरियो, सिक्किम के मुख्यमंत्री और एसकेएम नेता प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, आरएलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, रिपब्लिकन पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत कुछ और पार्टियां शामिल हैं। खास बात यह है कि कई गैर एनडीए दलों जैसे कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, मायावती की बीएसपी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने भी उद्घाटन समारोह में आने का फैसला किया है। आपके देश की जनता ने दो दो बार दो तिहाई बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश, देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं दे, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस पक्ष विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या 21 विपक्षी दलों के एक साथ आने से 2024 में मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकेगी? क्या विपक्षी दलों की संख्या जितनी ज्यादा है, क्या उतनी ही ज्यादा उनकी सियासी ताकत भी है? क्या 21 पार्टियां साथ आकर सिर्फ माहौल बना रही हैं या फिर सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ये जरूरी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों की सीटें और उन्हें मिले वोट परसेंटेज को देखा जाए।
ये समझना जरूरी है कि आखिर जो 21 दल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने एक साथ आए हैं, उनकी कितने राज्यों में सरकारें हैं, उनके पास कितने विधायक हैं। सबसे पहले मौजूदा लोकसभा में इन पार्टियों की ताकत देखिए। अगर सिर्फ लोकसभा की बात करें तो बीजेपी अकेले ही बायकॉट करने वाली सभी पार्टियों पर भारी है। जिन 19 दलों ने बायकॉट को लेकर स्टेटमेंट जारी किया था, लोकसभा में उनके 147 सांसद हैं। अगर केसीआर की भारत राष्ट्र समिति और ओवैसी की पार्टी को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या 158 हो जाती है, जबकि बीजेपी के अकेले 301 सांसद हैं। 2019 के चुनावों में तो बीजेपी ने 303 सीट जीती थी, जो अब कम होकर 301 रह गई है। इसी तरह अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो नई संसद का बहिष्कार करने वाली पार्टियों को करीब 35% वोट मिले थे, जबकि अकेले बीजेपी को 37% से ज्यादा वोट मिले। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि अगर वोट परसेंट में इतना कम अंतर है तो सीटों में इतना अंतर क्यों। तो इसका जवाब ये है कि बीजेपी को देश की तकरीबन ज्यादातर राज्यों में बंपर वोट मिले, जबकि बायकॉट मोर्चा में कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्हें थोड़े बहुत वोट मिले लेकिन चुनाव लायक वोट नहीं मिले। इस लिहाज से अगर नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले दलों की बात करें तो उनके लोकसभा सांसदों की संख्या 365 हो जाती है और ये लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का 67% होता है, जबकि समारोह का बायकॉट करने वालों के पास 158 सांसद हैं और ये लोकसभा की कुल संख्या का करीब 29% है। इसी तरह अगर राज्यसभा की बात करें तो बायकॉट करने वाले मोर्चे के पास 103 राज्यसभा सांसद हैं, जबकि एनडीए के पास अपने 110 सांसद हैं। अगर वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 128 हो जाती है। यानी राज्यसभा में जरूर दोनों के बीच मुकाबला तगड़ा है। 128 सांसदों के साथ समारोह में शामिल होने वाली पार्टियों के पास राज्यसभा में करीब 52% हिस्सेदारी है, जबकि समारोह का बायकॉट करने वाले 21 दलों के पास 103 सांसदों के साथ करीब 42% की हिस्सेदारी है। यानी लोकसभा में उन दलों का जबरदस्त बहुमत है जो समारोह में जा रहे हैं, जबकि राज्यसभा में क्लोज फाइट है। यही वजह है कि इस मामले में वही नेता ज्यादा मुखर है जो राज्यसभा में है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि समारोह का बायकॉट करने का विपक्ष का फैसला बिल्कुल सही है। संसद केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं होती, राष्ट्रपति उस पर नंबर एक पर है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन न हो ये अच्छी बात नहीं है। ये हो सकता था कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें और प्रधानमंत्री उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे, नाम तो लिख ही जाता। लेकिन अब चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो चाहे सो कर सकते हैं, खुद कर ले, और राष्ट्रपति को नहीं कराना चाहते हैं तो ये गलत है, तो विरोध इसका विरोध कर रहा है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होना चाहिए था। एक तरफ तो आप कहते हैं कि उन्हें महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाई, और दूसरी तरफ आप उससे जो असली देश देखेगा, दुनिया देखे, उस कार्यक्रम को नहीं करने देना चाहते। ये अच्छा नहीं है, इसलिए विपक्ष का जो बहिष्कार का फैसला है वो बिल्कुल सही है, मैं उसी पूरी तरह उससे सहमत हूँ। रामगोपाल यादव समेत अगर पूरा विपक्ष बायकॉट के फैसले पर अड़ा है तो उसकी वजह यह है कि इस मोर्चे के कई नेता अपने अपने राज्यों में ताकतवर हैं और राज्यों में सत्ता से ही इस मोर्चे को ताकत मिलती है। अगर एंटी मोदी मोर्चा की बात करें तो इस वक्त राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इसी तरह बिहार में जेडीयू और आरजेडी की, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चे की, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की, तमिलनाडु में डीएमके की, केरल में सीपीएम की, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसी के दम पर ये पार्टियां अब मोदी सरकार को हराने का ख्वाब देख रही हैं। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।